गाइस, आप सबका ज्ञान ओशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर कैसे रीनेम करते हैं और फाइल कैसे क्रिएट करते हैं हम सिखाएंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले आपको अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर लेके जाएंगे। यहाँ पर हमें फोल्डर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले राइट क्लिक करना होता है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाने के बाद उसके बाद फोल्डर पे, और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया है। तो इसका नाम हम रख सकते हैं कुछ भी, जैसे कि हमने यहाँ पर ज्ञान ओशन नाम रखा है इसका। उसके बाद फोल्डर क्रिएट करने के बाद हम इसको ओपन कर सकते हैं। अब ये फोल्डर एम्प्टी है, इस फोल्डर के अंदर हम कोई भी नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हम वापस न्यू पे जाएंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट फाइल टाइप्स आ रहे हैं, डेटाबेस फाइल, बिटमेज टाइप और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट वर्ड, इन सब के। एक जैसे कि हमने सबसे पहले टेक्स्ट टाइप फाइल क्रिएट करके दिखाई आपको यहाँ पर, उसका नाम हम ज्ञान रखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी दूसरी टाइप की भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने पावर पॉइंट की क्रिएट करके दिखाई आपको, इसका नाम हम ज्ञान वन रख सकते हैं। अगर हमें किसी भी फाइल का नाम रीनेम भी करना है तो भी हम यहाँ पर राइट क्लिक करके इस पर हम उसका नाम भी रीनेम कर सकते हैं। ये रहा रीनेम का ऑप्शन। ज्ञान की जगह हमें अगर इसका नाम ज्ञान टू रखना है तो हम वो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।